थे 13 रन। मोहित शर्मा ने शुरुआती 4 गेंदों पर दिए केवल 3 रन। फिर चेन्नई को आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन। फिर जडेजा ने किया चमत्कार। तो क्या है फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी एमएस धोनी के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई वर्सेज गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला गया, जहाँ चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही और गुजरात की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में 214 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना डाले और गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से रिद्धिमान शाह ने 54, वहीं शुभमन गिल ने 39 और साई सुदर्शन ने 96 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और चेन्नई की टीम की तरफ से महेश पतिराना ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और वहीं चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान मैदान में बारिश होने लग गई, जिस वजह से चेन्नई की टीम को 15 ओवर में अब 171 रन बनाने थे और 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही और चेन्नई के हर बल्लेबाज ने इस मुकाबले में रन बनाए। लेकिन आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन और वहीं सामने थे जडेजा और शिवम दुबे भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहित शर्मा ने केवल 4 गेंदों पर 3 रन दिए। फिर अंतिम 2 गेंदों पर जडेजा ने छक्का और चौका लगाकर चेन्नई को आईपीएल 2023 की ट्रॉफी दिलवाई और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी की बराबरी कर ली है। दोनों ही टीमें 5-5 ट्रॉफी आईपीएल में जीत चुकी हैं। तो दोस्तों चेन्नई की जीत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।